नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को गोलाई में यानी कर्व में क्रॉस लेवल गजपाड़ा कैसे नापते हैं, क्यों नापते हैं और कितने दिन पर नापते हैं और कहां कहां मापते हैं, आइए इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, गोलाई के दोनों सिरे पर गोलाई के ऊपरी साइड में ये कर्व बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पर ये कर्व से संबंधित उसकी विशेषता जो है लिखी होती है। ये देखिए गोलाई है और गोलाई के ये ऊपरी सिरे पर जो है एक शुरुआती में कर्व बोर्ड लगा है। ये कर्व नंबर 30 है। इस पर जो है किलोमीटर 159 के 82 टू 159 के 382 लिखा हुआ है, यानी टोटल 300 मीटर की ये कर्व है। इसके नीचे डिग्री लिखा हुआ है, ये 3 डिग्री का कर्व है। इसके नीचे रेडियस लिखा हुआ है 383.33 मीटर है। ये रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र 1750 बटे डिग्री होता है, यानी आर बराबर 1750 बटे डी। तो डी और आर माने डिग्री या रेडियस दोनों में इसको एक पता होता है तो दूसरा निकल जाता है। तो आप 1750 में 3 से भाग देंगे तो 583.33 मीटर आएगा, या 1750 में 583.33 से भाग देंगे तो 3 डिग्री आएगी। उसके नीचे कर्व लेंथ है, कर्व सीएल जो 300 मीटर लिखा हुआ है, ये कर्व की टोटल लेंथ होती है। उसके नीचे टीएल है यानी ट्रांजिशन लेंथ होता है, ये ट्रांजिशन लेंथ 100 मीटर है। इसमें गोलाई घटते क्रम में रहती है, माने जहाँ गोलाई शुरू होती है वहाँ से 100 मीटर तक जो है ये इसका भरसाइन और सुपर एलिवेशन चेंज होते रहता है। उसके बाद इक्वल होता है सर्कुलर पोर्शन में जाकर के, और सबसे नीचे एस यानी सुपर एलिवेशन लिखा हुआ है 140 mm। तो इस गोलाई का जो सुपर एलिवेशन है वो 140 mm है। अब आइए, ये बोर्ड के सामने सामने जो है ये देखिए रिफरेंस पोस्ट लगा हुआ है। तो प्रत्येक गोलाई में 4 रेफरेंस पोस्ट यानी ये खूंटा बोलचाल के भाषा में बोलते हैं लगा होता है। दोनों सिरे पर यानी जहाँ से गोलाई चालू होती है और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे लाल रंग से ये रंगा हुआ खूंटा है यानी रेफरेंस पोस्ट इसको बोलिए। और दोनों बीच में सर्कुलर पोर्शन होती है यानी जहाँ से जहाँ गोलाई इक्वल होता है सी टी पी फर्स्ट और सी टी पी सेकेंड के बीच में ये रिफरेंस पोस्ट लगी होगी, और गोलाई के नीचे लाइन में ये लगी होगी। और उस रिफरेंस पोस्ट को यानी खूंटा को उजला पेंट से पेंट किया हुआ होता है। देखिए, ये इधर गोलाई की बोर्ड है गोलाई के ऊपरी लाइन में, और ये गोलाई के नीचे की लाइन में ये रिफरेंस पोस्ट यानी खूंटा है। और यहाँ से गोलाई स्टार्ट होती है, ये देखिए सुपर एलिवेशन इसका 0 लिखा हुआ है। तो जब भी हम गजपाड़ा को मापेंगे तो इस पर जो है हर 10-10 मीटर पे गोलाई का स्टेशन लिखा हुआ है। गोलाई के निचले भाग में यानी नीचे की जो रेल है इसके वेब में लिखा हुआ होता है, उसी को देख करके और जहाँ जितना लिखा हुआ उतना mm हम ये क्रॉस गजपाड़ा जो है वहीं पर नापेंगे। और गोलाई के ऊपरी लाइन के वेव में जो लिखी होगी वो देखिए भर साइन लिखा होगा। ये स्टेशन नंबर 30 है और टीटीपी जो है सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे गजपाड़ा लगाएंगे और इसमें जो है 0 से लेकर के ये पौड़ी टाइप में जो बनी हुई है 0 mm 10 20 30 40 50 ऐसे करते करते 200 mm तक जो है इस गजपाड़ा से हम माप सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसका गेज होता है। गेज में दो कलर का होता है, एक रेड कलर का होगा और एक
और वाइट कलर का होगा तो रेड कलर पर जो अंक लिखी होगी वो माइनस में गेज कहा जाता है, और वाइट कलर के ऊपर जो लिखा होगा ये देखिए प्लस 5 mm यहाँ पे गेज है, यानी कि वाइट में जो है इसकी जो मिडिल भाग होती है ये यहाँ पे इसके सामने सामने जो लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आया हुआ है यानी ये प्लस 5 mm गेज है। तो गोलाई में हमेशा जो ये गेज नाप और पारा नापते हैं तो इसके 10 मीटर के स्टेशन है वहीं वहीं मापते हैं। जब हम इसके बीच में मापते हैं यानी बीच में पैकिंग करते हैं, मान लीजिए 5 मीटर पर करते हैं, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो इसकी सुपर एलिवेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 10 mm के डिफरेंस पर सुपर एलिवेशन लिखा हुआ है और बीच में मापेंगे तो 5 mm उसमें हम ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि जो जहाँ से हम नाप रहे हैं उसके अगले लोकेशन 5 मीटर पर ही नाप रहे हैं, तो ये 10 mm जो सुपर एलिवेशन है तो अगला पर हम 15 पर करके बीच में भी माप सकते हैं, जबकि हर एक स्टेशन पे 10, 20, 30, 40 इस हिसाब से लिखा हुआ होगा। तो हम स्लीपर गिन कर भी उसमें डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने mm हमको ऐड करके लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे 0 mm सुपर एलिवेशन है और हम इससे ये बीच में देखिए हम मापेंगे तो यहाँ पे हम इसके जस्ट आगे का जो सुपर एलिवेशन है वो 14 mm है, ये 10 मीटर के अंतराल पे 14 mm का डिफरेंस आ रहा है। तो मान लीजिए हम 5 मीटर ही आगे नापते हैं तो 14 का आधा यानी 7 उसमें ऐड कर देंगे तो 21 mm जो है सुपर एलिवेशन नापेंगे। ऊपर की लाइन 21 mm नापेंगे बीच में और नीचे की लाइन जो है 21 mm डाउन होगा। इस तरह से हरेक 10 मीटर पर देखिए सुपर एलिवेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 28 सुपर एलिवेशन लिखा हुआ है, इधर 28 इसका भरसाइन है और भरसाइन का स्टेशन नंबर 18 है। इस तरह से गेज और पारा को नापते हैं। 2 डिग्री से अधिक का जो कर्व होता है तो जेई और एसएससी इंचार्ज के द्वारा 6 महीने में एक बार रोटेशन वाइज कर्व का इंस्पेक्शन किया जाता है और एडियन साहब के द्वारा जब टीआरसी मशीन या ओएमएस मशीन रन करती है तो उसके अंदर वो रहते हैं तो उस टाइम ही वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं कर्व का। 2 डिग्री से नीचे के कर्व पे जेई एसएससी सेक्शनल द्वारा साल में एक बार जो है उसकी इंस्पेक्शन किया जाता है और एसएससी इंचार्ज के द्वारा ओएमएस मशीन या टीआरसी मशीन में इंस्पेक्शन करते हैं, उस समय ही 2 डिग्री से कम का जो कर्व होता है उसमें उसका इंस्पेक्शन करते हैं। ये देखिए सुपर एलिवेशन 98 है और यहाँ जो है भरसाइन लिखा हुआ है ऊपर। गोलाई में जब भी हम पैकिंग करते हैं तो नज़र में हम गोलाई के नीचे रेल को लेते हैं और ऊपर रेल में जो है हम इस गजपारा को लगा लेते हैं और फिर इसकी पैकिंग करते हैं। 30 मीटर से 60 मीटर पीछे हट करके और नज़र देखते हैं कि कितनी डाउन है, उतना हम लाइन को ऊपर उठाते हैं नीचे भाग को और ऊपर भाग में जितना उसका सुपर एलिवेशन लिखा होता है उस हिसाब से उसकी उठाई करके पैकिंग करके रोकते हैं। ये देखिए उजला पेंट से यानी वाइट पेंट से ये रिफरेंस पोस्ट यानी खूंटा को पेंट किया गया है और ये जो है CTP सेकेंड है ये देखिए, और भरसाइन इसका 87 mm है और यहाँ पे सुपर एलिवेशन जो है 140 mm है। इस सफ़ेद खूंटे से आगे का जो मिडिल भाग होगा वहाँ जो है सफ़ेद खूंटा होगा वहाँ तक ये ऊपर लाइन 140 mm ऊपर होगा, यानी कहीं भी हम मापेंगे गजपारा को तो 140 mm ऊपर का लाइन तेज होगा और नीचे का लाइन 140 mm डाउन होगा। जहाँ डाउन हो इससे ज़्यादा कम या बेसी होगा तो उसको हम नीचे लाइन उठा करके या ऊपर लाइन उठा करके 140 mm करेंगे। गजपारा जहाँ भी हम लगाएंगे ये गोलाई में तो ये देखिए जो इसका खाँचा बनी हुई होती है ये पौड़ी ये नीचे की तरफ देंगे
क्योंकि ऊपर लाइन को बराबर करने के लिए जो है हमें ये सहायता देती है। मान लीजिए 140 का ये कर्व है, यहाँ पे सुपर एलिवेशन 140 है, तो हम इस पंसाल को इसमें लगा करके और 100 ये देखिए 40 पे ले गए हैं। ले जाने के बाद जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका क्रॉस लेवल बिल्कुल सही है। हमेशा जो है ये देखिए पौड़ी नीचे की भाग में लगाया हुआ है। इसके बाद देखिए हम कहीं भी मापेंगे, भले स्टेशन पे नहीं भी मापते हैं, यहीं हमें मापने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको लगा करके और माप लेंगे तो यहाँ भी 140 mm और ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि इस गोलाई का जो माप है वो बिल्कुल सही है। तो आइए एक बार फिर से आपको बता दें शुरू से, गोलाई के दोनों सिरे पर बोर्ड, गोलाई का ऊपरी लाइन की तरफ बोर्ड लगी होती है, उस बोर्ड पर उस गोलाई का विशेषता लिखी होती है, जो भी उसमें सुपर एलिवेशन है, ट्रांजिशन लेंथ है, सर्कुलर लेंथ है, कर्व लेंथ है, रेडियस है, डिग्री है, और वो कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक की गोलाई है, वो सारे उस बोर्ड पर लिखा होता है। उसके बाद जहाँ से गोलाई स्टार्ट होती है उसके गोलाई में चार जो है रेफरेंस पोस्ट यानी खूंटा लगा होता है, दोनों सिरे पर लाल पेंट से पेंट किया हुआ खूंटा होता है, वहाँ से गोलाई शुरू और अंत करता है। वहाँ टीटीपी फर्स्ट और टीटीपी सेकंड लास्ट में लिखा होता है। उसके बीच में जो सफ़ेद खूंटा लगा होगा वहाँ से गोलाई सर्कुलर पोर्शन होता है, यानी उसका सारे दोनों ऊपर नीचे का लाइन जो होगा वो एक जैसा, मतलब अगले सफ़ेद खूंटा तक उसका जो कैंट होगा वो एक जैसा होगा, यानी CTP फर्स्ट और CTP सेकंड के बीच जहां उजला खूंटा से उजला खूंटा तक लगा होगा। उसके आगे फिर गोलाई घटते हुए जाती है और लास्ट में जा करके वो जीरो हो जाती है। जहां पे गोलाई जीरो हो जाती है उसके 30 मीटर आगे और यानी 3 स्टेशन जो है प्लस में दर्शाया जाता है, +1, +2, +3 वहाँ तक जो है माप लेते हैं। और जहाँ से गोलाई स्टार्ट होता है उसके पीछे साइड में -1, -2, -3 स्टेशन जो है वहाँ भी लिखा होता है, तो वहाँ से ही गोलाई मापते हैं। और जहाँ से गोलाई का बोर्ड लगा होता है वहाँ से हम इसकी जीरो मान करके उस स्टेशन से आगे की तरफ माप लेते हैं। तो इस तरह से गोलाई के जो है मापते हैं और गजपारा मापते हैं। और हमेशा जब गजपारा मापेंगे तो नीचे की लाइन में वेव में पीला पेंट से पेंट करके उसके ऊपर काला अक्षर से जो लिखा होगा सुपर एलिवेशन वो कितना लिखा हुआ है उतना ही अपने नाप लेनी है। और नीचे लाइन हमेशा नज़र में लेनी है और ऊपर की लाइन जो है पारा जितना मांग रहा होगा उतना देनी है। उसके बाद जब हम गोलाई में सिधाई चलाते हैं तो ऊपर की लाइन को नज़र रेल में ही सिधाई चलाते हैं, ना कि नीचे की लाइन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में कोई कमी महसूस हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।